हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव पारा सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर टोक्यो ओलंपिक्स में से कोई अगर कोई आपका खिलाड़ी भारत से मेडल लेकर आता है तो दोस्तों उसकी वीडियो आप तक पहुँचा दी जाएगी दोस्तों सबसे पहले। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो है लवलीना बोरगोहेन, जिनके बारे में दोस्तों परिचय दिखाएंगे कि लवलीना बोरगोहेन का जन्म कब, कहाँ, कैसे, दोस्तों सब पूरी जानकारी लेंगे दोस्तों। और उन्होंने कौन सा पदक जीता और यह किस खेल से संबंधित है दोस्तों। मैंने जैसा आपसे वादा किया था, आप तक मैं ये वीडियो सबसे पहले पहुंचा रहा हूँ, ठीक है? तो अगर तो आज अभी वीडियो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे अपना छोटा सा परिवार बड़ा किया जा सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लवलीना बोर हेवन की। किसकी? लवलीना बोर गोहेन की, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। कौन सा दोस्तों? कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है 69 किलोग्राम में। कितने में? 69 किलोग्राम में, 69 किलोग्राम में दोस्तों उन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। दोस्तों अगर देखते हैं अभी रवि कुमार दहिया जो फाइनल में पहुंच चुके हैं दोस्तों, देखते हैं कल गोल्ड लाते हैं कि नहीं। आशा करते हैं कि गोल्ड ही लाएंगे, अगर नहीं तो कम से कम कांस्य पदक अपना पक्का है। अगर दोस्तों उनके देखने के बाद कल उनकी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचा दी जाएगी। तो आज की बात दोस्तों लवलीना बोर गोहेन के बारे में, दोस्तों इनका परिचय देखते हैं। तो चलो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपने दंगल का डायलॉग तो सुना ही होगा, हमारी छोरी और छोरों से कम थोड़ी ना है, मतलब जो हमारे भारत की बेटियां गर्व से अपना नाम कर रही हैं, ठीक है? और दोस्तों भारत का सर ऊंचा कर रही है पूरे विश्व में। दोस्तों सबसे पहले मीराबाई चानू, जिसको आपने देखा 49 किलोग्राम वर्ग में दोस्तों उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद पीवी सिंधु, जिन्होंने कांस्य पदक जीता दोस्तों, किसमें? आपके बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो। तो चलो दोस्तों आज बात करते हैं लवलीना बोरगोहेन के बारे में। तो चलो दोस्तों देखो, लवलीना बोरगोहेन नाम तो पता ही है, ठीक है? अब इनके पिता का नाम है दोस्तों टिकेन बोरगोहेन। क्या? ठीक है, जैसे हम लगाते हैं ना, जैसे मैं लगाता हूँ गौरव पारा सर, जैसे ये क्या लगाते हैं? बोर गहन, ठीक है? मेरा नाम गौरव पारा सर लगाता हूँ अपना सरनेम, जैसे ये क्या है? बोर गहन। तो दोस्तों पिता का नाम है टिकेन बोर गहन, माता का नाम है मामोन बोर गहन। क्या है? मामोन बोर गहन। नारायण दोस्तों इनका जन्म 2 अक्टूबर 1997 को हुआ। कब दोस्तों? 2 अक्टूबर 1997 को इनका इनका जन्म हुआ। दोस्तों यह टॉपिक जो मैं आपको करा रहा हूँ स्पेशली संबंधित प्लेयर से संबंधित दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रत्येक आगामी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलो दोस्तों, दोस्तों जन्म का जन्म 2 अक्टूबर 1997, और दोस्तों उनका जन्म स्थान दोस्तों गोलाहाट, गोलाघाट शहर असम का, असम राज्य का गोलाघाट शहर में हुआ। दोस्तों यह खेल दोस्तों एक कौन से खेल से संबंधित रखती है, ऐसे क्वेश्चन आता है तो महिला बॉक्सर। क्या? मुक्केबाजी, मतलब मुक्केबाजी खेल से मुक्केबाज है दोस्तों कौन सी? महिला 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 बॉक्सर है दोस्तों। अभी तक इनकी उम्र दोस्तों प्रेजेंट में 23 साल है, 23 साल में 97 जन्म हुआ है, अभी 2021 चल रही है तो 23 साल इनकी उम्र है। नेशनल स्कोर कोच दोस्तों इनके शिव सिंह है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, और इस किस खेल से संबंध रखती है ये, ठीक है? क्या है? शिव सिंह है इनके नेशनल स्कोर कोच। किस कौन है? शिव सिंह। और दोस्तों इनके पहले कोच होते थे प्रद्युम्न बोरो। कौन दोस्तों? प्रद्युम्न बोरो इनके पहले कोच थे दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक 2021 में इन्होंने 69 किलोग्राम वर्ग में क्या दोस्तों? कांस्य पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने दोस्तों 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। किसके? बॉक्सर में, ठीक है, मुक्केबाजी में। दोस्तों ने अर्जुन पुरस्कार 2020 में, हाल ही में दोस्तों 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों असम राज्य की पहली मुक्केबाज है ये, असम राज्य से अगर कोई बॉक्सर बनाए तो दोस्तों ये पहले हैं। कौन? लवलीना बोर गोहेन, ठीक है? अब दोस्तों देखते हैं और कौन कौन से पदक कब कौन सी सन में मिले, ठीक है, और कौन कौन से पदक मिले। तो दोस्तों ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2017 में कांस्य पदक जीता, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2017 में कांस्य पदक। ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग में दोस्तों चैंपियनशिप में 2018 में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। और वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दोस्तों 2018 में कांस्य पदक जीता, वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2019 में दोस्तों उन्होंने कांस्य पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों बॉक्सिंग मतलब मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय है। कौन सी दोस्तों? यह तीसरी भारतीय बन चुकी है टोक्यो ओलंपिक में मुक्केबाजी में दोस्तों, प्रथम
पदक जीतने वाली कौन सी, कौन, लवलीना बोरगोहेन। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाए दोस्तों, इससे पहले कि अगर दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तीसरी बन चुकी, तो पहला दूसरा कौन है, तो दोस्तों बात करते हैं, इनका पहले का नाम है विजेंद्र सिंह, जिन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में दोस्तों, बीजिंग ओलंपिक 2008 में दोस्तों उन्होंने कांस्य पदक जीता। किसने, विजेंद्र सिंह, कौन दोस्तों, विजेंद्र सिंह, जो पहले मुक्केबाज थे जिन्होंने 2008 में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, एमसी मैरी कॉम से आप परिचित होंगे दोस्तों, एमसी मैरी कॉम ने दोस्तों 2012 में लंदन ओलंपिक में दोस्तों कांस्य पदक जीता। दोनों ने पहले भी कांस्य पदक जीता और अपने पास अब भी क्या आया, कांस्य पदक ही आया है, अभी तक स्वर्ण पदक नहीं आया मुक्केबाजी में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह आपके लवलीना बोरगोहेन से संबंधित क्लास थी, ठीक है, लेक्चर था दोस्तों, जिसका आपने अच्छे से देखा, और दोस्तों इसे अपना पक्का कर लें, जिससे आगामी परीक्षा में आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें। तो दोस्तों अगर ये क्लास अच्छी लगी तो फिर से मैं कहूंगा, प्लीज लाइक करें, लाइक तो किया करें और शेयर भी किया करें, और कमेंट करके बताया करें आपको यह क्लास कैसी लगी। दोस्तों गोवा क्लास चैनल से जुड़े रहें, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।